Hey guys, this is P Tiger and welcome back to Know Your Universe. और मैं जानता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के लिए काफी ज़्यादा excited थे जब से ही मैंने अपने community tab के अंदर इसके thumbnail को post किया था. और मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा awesome किस्म का topic है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग को उसके बारे में पता नहीं है. तो अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि Venom Let There Be Carnage जो है अब रिलीज़ की जाने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर. तो उस मूवी के रिलीज़ होने से पहले अगर हम उसके कॉमिक बुक ओरिजिन और उसकी पावर्स, एबिलिटीज़ और दूसरी चीज़ों के ऊपर नज़र डाल लें तो हमें उस मूवी को समझने में शायद थोड़ी सी और आसानी हो जाए. लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पर सिम्बियोट की बात कर रहा हूँ जो कि वो पूरी की पूरी स्पीसीज़ हैं जो कि Venom की तरह दिखती हैं. तो ये बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ पर खासकर Venom के ऊपर या खासकर Carnage के ऊपर कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ. हाँ, उनका जहाँ जहाँ जिक्र आएगा हम उसको कवर जरूर करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन उनकी डिटेल्स में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं Venom और Carnage ये कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं और इनकी अपनी ही इतनी ज़्यादा डिटेल्स हैं कि मैं अगर उनके ऊपर बात करने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो गाइस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अपनी नो योर यूनिवर्स की वीडियो के अंदर इसी तरह मार्वल कॉमिक की ऑसम ऑसम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, उनके ओरिजिन को डिस्कस करते हैं, उनकी डिटेल्स के अंदर हम इस तरह से डिस्कशन करते हैं. तो अगर आप मार्वल कॉमिक्स और उस तरह की दूसरी चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी नो योर यूनिवर्स की सीरीज के सारे एपिसोड जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं. सो गाइस, बाकी डिस्कशन हम इस वीडियो के एंड में करेंगे. तो इसी के साथ इस वीडियो को फौरन से स्टार्ट करते हैं. कि हम कभी भी किसी भी चीज की बात करते हैं तो हम उसके सबसे पहली बार फर्स्ट अपीयरेंस की बात करते हैं कि असल में वो चीज हमें सबसे पहली बार नजर कब आई थी. अब अगर हम सिम्बियोट की बात करें तो इस बारे में किसी को नहीं पता था कि ये चीज आगे जाके सिम्बियोट कहलाने वाली है या फिर ये पूरी की पूरी एक रेस होने वाली है. लेकिन इसका जो फर्स्ट अपीयरेंस था सिम्बियोट का वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 252, द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन नंबर 90 और मार्वल टीम अप नंबर 141 के अंदर की गई थी, जो कि एक साथ ही रिलीज हुए थे एक ही महीने के अंदर, मई 1984 के अंदर. तो दरअसल ये तीनों की तीनों जो कॉमिक्स हैं इनको इसका फर्स्ट अपीयरेंस माना जाता है क्योंकि इन तीनों कॉमिक्स में हमने इस सिम्बियोट को देखा था और ये तीनों ही कॉमिक्स बेसिकली एक ही महीने में रिलीज किए गए थे. बेसिकली तीनों की तीनों स्टोरीज आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड थी, जिसके अंदर हमने यही देखा था कि सीक्रेट वॉर नंबर 8 के अंदर जब स्पाइडरमैन को एक अजीब और गरीब ब्लैक कलर की चीज मिलती है जो कि उसकी सूट के साथ जुड़ जाती है, उसका सूट ब्लैक हो जाता है, तो उसके बाद से वो उसको अर्थ पे ले आता है. और यही सबसे पहला जो है अपीयरेंस था सिम्बियोट का मार्वल कॉमिक्स के अंदर कि वो स्पाइडरमैन को मिलती है, स्पाइडरमैन उसको एक एलियन पेरेंट से अपने अर्थ के ऊपर ले आता है. अगर हम इसकी बैक स्टोरी की बात करें कि सिम्बियोट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा वो मार्वल कॉमिक्स में आया कहाँ से है, तो दरअसल मजेदार बात यह कि सिम्बियोट जो है वो एक फैन मेड कैरेक्टर था. मतलब इसको जो है मार्वल के राइटर्स ने सिर्फ $220 के अंदर खरीदा था एक फैन आर्टिस्ट से, जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स के एक बहुत ही बड़े कॉन्टेस्ट के अंदर पार्ट लिया था और उन्होंने Venom को इस कॉन्टेस्ट के अंदर बना के पेश किया था. और Venom को इनका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, इसका आर्ट बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने इस आर्ट वर्क को जो है $220 में खरीद लिया था. तो अगर आप हिसाब लगाएं तो उस जमाने में जिस आर्टिस्ट ने इसको बेचा होगा आज वो इस बात पर कितना अफसोस कर रहा होगा कि जो $220 में उसने चीज बेची थी आज वो मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर्स बना रही है. और बेसिकली उन्होंने जो कॉन्सेप्ट खरीदा था वो दरअसल Venom का था. उस वक्त सिम्बियोट और ये सारी की सारी कार्नेज वगैरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन मैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा कि Venom का जो इस्तेमाल किया गया है थ्रू आउट द मार्वल कॉमिक्स इतने सालों के अंदर वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है. मतलब इससे ज्यादा किसी और चीज को इतने ज्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफाई नहीं किया गया है कॉमिक्स में टाइम टू टाइम, और उसको नए नए ओरिजिन और उसके साथ साथ हिस्ट्री को भी हमें अपडेट किया गया है. तो उसी के साथ हम चलते हैं इसके कॉमिक बुक ओरिजिन के ऊपर कि आखिरकार ये सिम्बियोट है क्या चीज, ये आई कहाँ से और ये इतना ज्यादा खतरनाक चीजें कैसे बना लेती है. तो अगर हम सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करें तो ये अभी हमें रिसेंट टाइम्स के अंदर ही दिया गया है. इससे पहले हमें सिम्बियोट के ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं पता था, हमें बस ये पता था कि स्पाइडरमैन को वो एक एलियन प्लेनेट से मिला था और वो अपने साथ अर्थ के ऊपर ले आया. लेकिन बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो इस यूनिवर्स से भी पुराना है. मतलब जब ये यूनिवर्स नई बनी थी तो वहां पे खतरनाक किस्म का एक प्राइमोर्डियल डेइटी रहता था जिसका नाम नल था. और अगर आप सही मायनों में जाने तो नल जो है वो दरअसल इस यूनिवर्स का सबसे पहला बींग भी आप उसको कह सकते हैं. और जब ये यूनिवर्स नई बनी थी और सेलेस्टियल्स ने इस यूनिवर्स के अंदर इवॉल्व होना शुरू किया था और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करके इस यूनिवर्स को पॉपुलेट कर रहे थे, तो तब जो है नल को इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी क्योंकि नल जो है वो एक तरह का गॉड ऑफ द डार्कनेस है. वो हमेशा अंधेरे के अंदर रहना पसंद करता था इस यूनिवर्स के, लेकिन सेलेस्टियल्स की सारी ऊर्जा जो थी जिसके जरिए वो क्रिएशन कर रहे थे वो उसको डिस्टर्ब कर रही थी. तो तभी जो है नल ने वहां पे सेलेस्टियल से मुकाबला करने का सोचा. और आप जानते हैं कि सेलेस्टियल्स कितने ज्यादा खतरनाक हैं. नल जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीटी था, उसने दरअसल एक सेलेस्टियल का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसने उसके सर को ही एक तरह का अपना घर बना लिया था जिसके अंदर उसने इन सिम्बियोट्स को फॉर्ज किया था. मतलब जो सेलेस्टियल के सर के अंदर जो उसकी कॉस्मिक एनर्जीज थी उसको उसने एज अ फॉर्ज इस्तेमाल करा और उस फॉर्ज के अंदर उसने एक नई तलवार बिल्ड करी. और बेसिकली जब वो इस तलवार को बिल्ड कर रहा होता है तो वो उसको मुस्तकिल तौर पे जो है हैमर से शेप देने की कोशिश कर रहा होता है और इस कॉस्मिक फॉर्ज के अंदर जला के उसको शेप दे रहा होता है. तो यही सबसे बड़ी वजह है कि सिम्बियोट की जो बड़ी वीकनेस है साउंड और फायर की, वो उनको यहीं से मिली है, यानी कि उसकी क्रिएशन से ही.
तो इसके जरिए तो बेसिकली हमें पता चला कि ये सॉर्ट जो है दरअसल नल ने बनाई थी उस सेलेस्टियल के सर के अंदर, जो कि आगे आके बाद में फ्यूचर में नोवेयर प्लैनेट बन गया था। लेकिन नल ने यहीं से जो है सारे के सारे सेलेस्टियल से मुकाबला करा अपनी जबरदस्त किस्म की सॉर्ट के साथ, और उसने उस सॉर्ट को नाम दिया था द ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ट, जो कि अपने अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन था जो कि नल के ही एसेंस से बनी हुई थी और सेलेस्टियल की कॉस्मिक एनर्जी से उसको फॉर्ज किया गया था। अब इसी के बाद हमें पता चलता है कि कहीं आगे जाके फ्यूचर में जब नल अपने इस पूरे के पूरे रेन के ऊपर मौजूद था, अलग अलग लोगों से मुकाबला किया करता था, तो तब जाके वो एक खतरनाक किस्म के गॉड से मुकाबला करते करते एक प्लेनेट के ऊपर बहुत ही बुरी हालत में क्रैश कर गया। मजेदार बात यह कि वो प्लेनेट जो था वो किसी और का नहीं बल्कि गॉड द गॉड बुचर का था, जो कि आगे जाके नल की उसी तलवार को चुरा के अपने कब्जे में कर लेता है और खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर बन जाता है। अभी हम अपनी उस कहानी पे नहीं जाएंगे बल्कि हम यहाँ से नल के पास शिफ्ट होंगे। अब जैसा कि नल को अपने इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर जब दोबारा होश आता है तो वो देखता है कि अब उसकी ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ट उससे गायब हो चुकी होती है। लेकिन इसी के ठीक बाद नल जो है अपनी पावर्स को दोबारा से रीगेन करने के लिए कोई नई चीज को जो है इन्वेंट करता है, और ये होती है बेसिकली सिम्बियोट, जो कि एक तरह के सेंटिएंट लाइफ फॉर्म होती है जो कि उसने अपने अंदर से ही क्रिएट की है। अब अगर सिम्बियोट का ट्रू ओरिजिन देखा जाए तो वो बेसिकली खुद नल के साथ ही जुड़ता है, मतलब नल ही ने जो है उनको बनाया है। तो एक तरह से देखा जाए तो सिम्बियोट जो है वो नल से बहुत ही करीब से जुड़ी हुई है। लेकिन हाउएवर अगर हम इन सिम्बियोट्स की बात करें तो ये सिम्बियोट जो थे ये बिल्कुल ड्रैगन लाइक हुआ करते थे। नल ने इनको एक ड्रैगन की शेप में बनाया था और ये बिल्कुल ड्रैगन की तरह ही दिखा करते थे। कि नल ने जब इन सारे के सारे सिम्बियोट्स को बनाया तो वो उसके दिमाग के साथ जुड़े हुए थे, वो एक हाइव माइंड की तरह काम करते थे। मतलब वो जो सिम्बियोट्स देख रही है नल भी बिल्कुल वही देख रहा है, जो नल उनको करने के लिए कहेगा वो वही करेंगी। और इसी तरह उसमें से जो एक सिम्बियोट ड्रैगन होता है वो अर्थ की तरफ चले जाता है बहुत ही पुराने टाइमों के अंदर, और वहां पे गांव के ऊपर वो आके अपना कहर मचाना शुरू करता है ड्रैगन। तो वहां पे उन गांव वालों को बचाने के लिए थॉर आता है, और थॉर वहां पे अपनी लाइटनिंग और थंडर के जरिए उसको बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और तब जाके नल को ये पता चलता है कि लाइटनिंग जो इनकी एक बहुत ही बड़ी वीकनेस है, और उस लाइटनिंग की वजह से जब उसने ग्रिंडाल के ऊपर वो लाइट मारी तो उसकी वजह से ग्रिंडाल का जो है नल के साथ हाइव माइंड का जो कनेक्शन था वो टूट चुका था। और इसी के साथ जो बाकी सिम्बियोट्स थे उनका भी कुछ टाइम के लिए नल के साथ वो दिमाग वाला कनेक्शन टूट चुका था। अब जैसे कि इतने सालों में पहली बार इन सिम्बियोट्स का सेंटिएंट मिला था, यानी कि इनका खुद का दिमाग चलने लगा था, तो इन्होंने देखा कि नल इनसे जो काम करवा रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अंदर कोई ऑनर मौजूद नहीं है, इसके अंदर इनकी कोई इज्जत नहीं है, बल्कि दुनिया भर के अंदर सारे के सारे कॉस्मोस में लोग उनसे नफरत करते हैं। तो इसी वजह से सारे के सारे सिम्बियोट जो थे अपने ही गॉड के खिलाफ हो गए, और उन्होंने जो है सारे के सारे सिम्बियोट ने एक साथ मिलके अपने गॉड यानी नल को जो है अपने अंदर ही कैद कर लिया, जिससे उन्होंने पूरा का पूरा प्लेनेट बना दिया सिम्बियोट्स का, जिसको क्लिंटार नाम दिया गया। और सिम्बियोट्स की जबान में क्लिंटार का मतलब होता है द केज, और ये वो केज है जिसके अंदर नल को उन्होंने खुद से कैद कर लिया। और इसी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर एक प्लेनेट आ गया जो कि पूरा का पूरा इसी तरह वेनम जैसी सिम्बियोट से भरा हुआ था। तो दरअसल देखा जाए तो वो प्लेनेट नहीं था बल्कि वो सारे के सारे सिम्बियोट से जिन्होंने नल को अपने अंदर कैद किया हुआ था। और इसी के बाद से उस प्लेनेट के अंदर जब नल कैद था तो इतने सालों से उन सिम्बियोट्स ने उसको वहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, और उसमें से कुछ सिम्बियोट्स जो थे वो कॉस्मोस में इधर उधर भटक रहे थे अपने अलग अलग वर्दी होस्ट को ढूंढने के लिए, ताकि वो इस पूरे की पूरी कॉस्मोस के अंदर अपना एक नाम कमा सकें और नोबल वॉरियर्स की एक फोर्स बना सकें। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट हिस्ट्री और ओरिजन है सिम्बियोट्स का, कि वो कहाँ से आए हैं और किस तरह से वो इवॉल्व हुए ओवर द टाइम। तो इन सिम्बियोट का जो ओरिजन है वो कुछ और नहीं है बल्कि नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट है। अगर हम अपने कुछ मेजर स्टोरी आर्ट्स की बात करें कि इतने सालों के अंदर पूरी की पूरी मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के अंदर सिम्बियोट ने उसके बाद और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे हैं जिसके जरिए उनका एक नाम हो पाया इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सारे के सारे सिम्बियोट ने नल को अपने अंदर कैद करके क्लिंटार का प्लेनेट बना लिया था, अब जैसा कि वो क्लिंटार बन चुके थे तो उनके अंदर नल मौजूद था, और नल उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहा था अपनी खतरनाक किस्म की थॉट्स के जरिए। और इसी तरह हमने देखा कि क्लिंटार जो था वो दूसरे प्लेनेट्स को जाके उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करता था, उनके ऊपर ओवरटेक कर लिया करता था। और उस वक्त जो है सिम्बियोट्स वो दूसरे प्लेनेट्स में उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और वो अपने जिंदा रहने के लिए दूसरे होस्ट के ऊपर चढ़ जाया करते थे। अब जब ये सिम्बियोट्स दूसरे लोगों के ऊपर चढ़ते थे तो उनको उनकी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती थी, बल्कि वो उनकी बॉडीज के ऊपर चढ़ के उनके सारे के सारे ऑर्गन पे फीड किया करते थे, और उनको एक जबरदस्त किस्म का केमिकल चाहिए होता था इन सारे के सारे सिम्बियोट्स को जिंदा रहने के लिए, जिसको पेनेथलामाइन कहते हैं। और ये बेसिकली केमिकल जो है किसी भी इंसान या किसी भी एलियन के दिमाग के अंदर पाया जाता है। तो तभी ये सिम्बियोट्स बेसिकली उन आदमियों के ऊपर कब्जा करके उनका दिमाग वगैरह खा के अपनी भूख मिटाया करते थे। और इसी के बाद में बताया जाता है कि कहीं मार्वल हिस्ट्री में जब ये सारे के सारे सिम्बियोट्स इसी तरह अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर कहर मचा रहे थे तो एक ऐसा पूरा का पूरा प्लैनेट क्लिंटार के अलावा भी मौजूद था जहाँ पे सारे के सारे सिम्बियोट्स मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे रहने वाले हर एक शख्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो एक तरह से देखा जाए तो वो पूरा का पूरा सिम्बियोट प्लैनेट था। और ये बताया जाता है कि उस प्लैनेट को जो है बेसिकली गैलेक्टस ने डिवॉयर कर लिया था, यानी कि उसका नामो निशान मिटा दिया था। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जितने भी सिम्बियोट्स हैं वो गैलेक्टस और उसके हेराल्ड सिल्वर सर्फर से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं,
क्योंकि सारे के सारे सिम्बियोट्स के पास एक जेनेटिक मेमोरी मौजूद होती है। अगर किसी एक सिम्बियोट ने कुछ बहुत बड़ी चीज को एक्सपीरियंस करा है तो अपने साथ सारे के सारे सिम्बियोट्स के माइंड में वो चीज शेयर कर सकती है और उनके जेनेटिक कोड के अंदर शामिल हो जाएगी। जैसा कि अगर हम बचपन में पैदा होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमें आग को नहीं छूना है, मतलब वो गर्म है, हमें उससे दूर रहना है। इसी तरह अब कोई अगर नया सिम्बियोट पैदा होता है तो उसके दिमाग में पहले से ये चीज होती है कि उसको गैलेक्टा सिल्वर सर्फर से दूर रहना है, उसको उससे नफरत करनी है। तो ये कहलाती है जेनेटिक मेमोरी। लेकिन हमें उसके बाद अभी रिसेंट कॉमिक्स के अंदर इस बात को रिवील किया गया कि दरअसल सिल्वर सर्फर से जो सारे के सारे सिम्बियोट्स नफरत करते हैं, उससे जो डरते हैं, वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि एक स्टोरी लाइन के अंदर रिसेंटली सिल्वर सर्फर जो है वो टाइम में बहुत पीछे चले जाता है और वो ठीक उस टाइम में पीछे चले जाता है जब क्लिंटार प्लैनेट बना भी नहीं था और उस वक्त नल जो है वो सारे के सारे सिम्बियोट्स को कंट्रोल करता था। और उसी बीच जब सिल्वर सर्फर का गॉड ऑफ सिम्बियोट्स से मुकाबला होता है तो वहां पे सिल्वर सर्फर उस लड़ाई के बीच नल को एक जबरदस्त किस्म का पंच मार के उसको ब्लीड कर देता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि सारे के सारे सिम्बियोट्स जो है सिल्वर सर्फर से डरते भी हैं और उससे नफरत भी करते हैं। इसी के बाद अगर हम हिस्ट्री में और आगे बढ़े तो बताया जाता है कि काफी सदियों पहले जो है एक सिम्बियोट जिसका नाम ZZZXX था, मतलब इसको प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे लेकिन इसका नाम लिटरली यही है, ये एक सिम्बियोट था जो कि स्पेस के अंदर घूम रहा था और ये सारे के सारे लोगों का दिमाग खा लिया करता था। मतलब ये बहुत ही जो है वायलेंट टाइप का सिम्बियोट था। लेकिन इसको जो है शियार के लोगों ने कैप्चर करा था और उसके ऊपर काफी सालों तक स्टडीज करी थी इसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन जब रिसेंट टाइम्स के अंदर ग्रेबियल समर्स यानी कि वुल्कन जब यहाँ का राजा बनता है शियार एम्पायर का, तो वो इस सिम्बियोट को जो है आजाद कर देता है। इसी के बाद अगर हम हिस्ट्री के अंदर और चले तो हमें पता चलता है कि इनमें से ही एक सिम्बियोट जो था उसने बेसिकली माइक्रोवर्ड्स को इन्वेट करने की कोशिश करी थी और माइक्रोवर्ड्स एक तरह की आप समझ सकते हैं कि एक रियल में जहाँ पे एनिग्मा फोर्स पाई जाती है और ये सिम्बियोट वहाँ पे गया इसीलिए था ताकि एनिग्मा फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन वहाँ पे बेसिकली एनिग्मा फोर्स ने इसको डिफीट कर दिया था और इस सिम्बियोट को जो है अपनी रियल से निकाल के बाहर अर्थ के ऊपर फेंक दिया था। और ये सिम्बियोट जो है बहुत सालों तक जो है सैवेज लैंड के अंदर मौजूद था और वहाँ पे कहीं पुराने जमानों के अंदर सैवेज लैंड के अंदर कॉनन द बारबेरियन नाम का हीरो होता है जिसको ये सिम्बियोट मिलता है और वो कुछ टाइम के लिए इसको इस्तेमाल भी करता है। अब इसी के बाद हम अपनी हिस्ट्री के रीसेंट टाइम्स के अंदर चलते हैं जब आपको पता है कि क्री स्क्रल वॉर हो रही थी। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर क्री स्क्रल वॉर जो एक बहुत ही बड़ा इवेंट माना जाता है, एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। तो क्री स्क्रल वॉर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी न्यू यूनिवर्स के अंदर एक वीडियो बना चुका हूं कि आखिरकार उनके पीछे क्या वजह है जो कि हमेशा वो एक दूसरे से जंग के ऊपर लगे रहते हैं। लेकिन अभी के लिए अपनी स्टोरी में बढ़ते हैं जहां पे मैं बताया जा रहा होता है। तो इसी बीच जब क्री के लोग जो है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे ताकि वो स्क्रल की शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज के ऊपर हावी हो सकें, तो तभी उनको जो एक न्यू बॉर्न सिम्बियोट मिलता है जिसको बताया जा रहा था कि दरअसल उसको प्लेनेट क्लिंटार से जो एक्साइल कर दिया गया था उसकी कुछ हरकतों की वजह से और वो स्पेस के अंदर भटक रहा था। तो इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने अपने एक आदमी को रिक्रूट करा था जिसका नाम टेलकार था और उसको इसी यंग सिम्बियोट के साथ बॉन्ड करके जो है कुछ मॉडिफिकेशंस करी थी जिसके जरिए टेलकार और सिम्बियोट जो है वो दोनों अपने फुल कंट्रोल के अंदर रह सकें और इस तरीके से उन्होंने जो है स्क्रल्स के काफी ज्यादा खतरनाक मिशन को नाकाम करवाया था। लेकिन यहीं पे जो स्क्रल्स के लोग थे जब वो एक मिशन पे होता है टेलकार तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उससे सिम्बियोट को अलग कर देते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट को जब अलग कर देते हैं तो उसकी सारी की सारी मेमोरीज जो उसके साथ होती हैं वो भी सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन तभी जाके इस वाले सिम्बियोट को जो कि ये यंग सिम्बियोट था इसको एक खतरनाक किस्म का पैरासिटिक सिम्बियोट मिलता है जो कि जब इसके साथ जुड़ता है तो उसकी थोड़ी बहुत फर्स्ट होस्ट की जो मेमोरीज हैं उसको नजर आने लगती हैं और तब वो जो करप्टेड सिम्बियोट होता है वो इस वाले सिम्बियोट को भी करप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तब जाके उसको ये बात पता चलती है कि दरअसल ये सिम्बियोट जो था ये एक अच्छा सिम्बियोट था, ये अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता था और इसी वजह से इसको सबसे पहली बार इसके प्लेनेट से यानी कि क्लिंटार से एक्साइल किया गया था क्योंकि ये एक अच्छा सिम्बियोट बनना चाहता था। तो इसलिए वो जो दूसरा इविल सिम्बियोट था उसने इस बात का डिसीजन लिया कि ये वाला सिम्बियोट जो करप्ट हो चुका है ये अपने मुताबिक चल नहीं रहा है, तो इसलिए उसको उसने एक कंटेनर के ऊपर कैद करके एक प्लेनेट के ऊपर अकेला छोड़ दिया था। अब ये बात किसी ने नहीं सोची थी कि ये बेसिकली उसी प्लेनेट के ऊपर कैद था सिम्बियोट जो कि बाद में जाके बियॉन्डर जब अपना बैटल वर्ल्ड बनाता है अलग अलग प्लेनेट्स को जोड़ के तो उसमें से एक प्लेनेट वही मौजूद होता है जहां पे उस बैटल वर्ल्ड के अंदर उस वाले प्लेनेट को वो जोड़ लेता है। और इवेंचुअली इसी तरह से स्पाइडरमैन 1984 की जो मिनी सीरीज थी सीक्रेट्स वॉर वाली, जब वो उस बैटल वर्ल्ड के ऊपर होता है तो बेसिकली तभी जाके वो उस कंटेनर को चेक करता है जिसके अंदर वो सिम्बियोट मौजूद होता है और इसी तरह बेसिकली स्पाइडरमैन उसको जानने की कोशिश करता है और वो उसके सूट से आके जुड़ जाता है। और इवेंचुअली स्पाइडरमैन पहले उसको सिर्फ समझ रहा होता है कि इसका सूट का अपग्रेड है जो कि इसके सूट को स्टेल्थ मोड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन बाद में जाके उसको ये बात पता चलती है फैंटास्टिक फोर की मदद से कि ये सिर्फ उसका सूट नहीं बल्कि एक लाइफ फॉर्म है, एक एलियन लाइफ फॉर्म जिसकी अपनी सेंटिएंट मौजूद है। और इसी तरह जब स्पाइडरमैन समझ जाता है कि उसके सीने पे एक एलियन चिपका हुआ है जो कि उसको गलत काम करने पे जो है उकसा रहा है, तो स्पाइडरमैन इवेंचुअली इससे अपनी जान छुड़वाता है एक चर्च बेल के पास जाके। और तभी वो सिम्बियोट जब स्पाइडरमैन से अलग होता है तो उसको अपना नया होस्ट मिलता है एडी ब्रॉक, और जब वो सिम्बियोट एडी ब्रॉक से जुड़ता है तो तब जाके पैदा होता है वेनम सिम्बियोट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे वेनम का ओरिजिन मिलता है जिसको आप देख सकते हैं कि हमारा अगर मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री के ऊपर हम गौर करें तो सबसे पहले हमें वेनम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। लेकिन अगर हम इसकी ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें सिम्बियोट की जो कि अभी हमें रिसेंटली दी गई है तो इस हिसाब से सिम्बियोट की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, मतलब वेनम तो सिर्फ अभी का एक छोटा सा यंग बच्चा है। इसके बाद से आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिम्बियोट की कहानी शुरू हुई
जब स्पाइडरमैन अपने से अलग करके उसको एडी ब्रॉक को दे देता है। इसके बाद आपको पता है कि किस तरह से वेनम ने अपना ही एक ऑफ स्प्रिंग बनाया था जिसका नाम कार्नेज था, और उसको इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने क्लोन करने की कोशिश की अलग सिम्बियोट्स को, जिसमें बहुत मशहूर है स्क्रीम, लेशर, फेज, एग्नी और रायट। ये वो सारे के सारे सिम्बियोट्स हैं जो कि वेनम से क्लोन करके बनाए थे। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी ओवरऑल हिस्ट्री थी मार्वल कॉमिक्स के अंदर सिम्बियोट की, कि इतने टाइम से इतनी जो इनकी हिस्ट्री थी, उन्होंने क्या क्या करा और किस तरह वो हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचे। अब अगर हम अपने रीसेंट स्टोरी आर्क्स के ऊपर आ जाए तो हमने देखा कि किस तरह से नल जो है वो वापसी अपने पिंजरे से यानी क्लिंटार से आजाद हो जाता है और सारे के सारे सिम्बियोट्स को अपने कंट्रोल में वापसी से ले लेता है। लेकिन इन दी एंड हमने अभी रिसेंटली किंग इन ब्लैक के जबरदस्त किस्म के स्टोरी आर्क के अंदर देखा, जो कि मैं चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, कि किस तरह से सारे के सारे हीरोज ने मिलकर नल को हराया। और जब एक बार नल खत्म हो चुका है इस दुनिया से तो सारे के सारे सिम्बियोट्स अब आजाद हो चुके हैं। ये सारे के सारे सिम्बियोट्स इवेल इसी वजह से थे क्योंकि नल उनको जो है ये करने पे उकसाता था। लेकिन अब जो है इन सारे के सारे सिम्बियोट्स को कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि उसने ही इन सारे के सारे सिम्बियोट्स को जो है अपने हाइव माइंड से आजाद करवाया है। अब हम देख रहे हैं कि एडी ब्रॉक इन सारे के सारे सिम्बियोट्स को इस्तेमाल कर रहा है पूरी की पूरी यूनिवर्स में अच्छे अच्छे काम करने के लिए, और वो बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर एडी ब्रॉक जो है वो एक इतना ज्यादा पावरफुल हीरो बन चुका है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मतलब हम इस बात को जानते हैं कि एक सिम्बियोट वेनम या कार्नेज हो तो वो कितना ज्यादा पावरफुल है और कितने ज्यादा हीरोज की नाक में दम कर सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास सारे के सारे मिलियंस ऑफ सिम्बियोट का कंट्रोल हो तो वो कितना ज्यादा पावरफुल बन सकता है, इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं अभी के लिए। और आई होप कि मार्वल कॉमिक्स के फ्यूचर के अंदर इस चीज को हमें और भी अच्छे तरीके से दिखाया जाने वाला है। अब अगर हम सिम्बियोट के कुछ कल्चर्स के ऊपर बात करें कि उनका कल्चर क्या है, उनका ट्रेडिशन क्या है, तो यहाँ पे मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें कोई खास सिम्बियोट की जो है एक्चुअल कल्चर नहीं बताया गया है। हमने देखा कि किस तरह से वेनम और कार्नेज अलग अलग पर्सनैलिटीज रखते हैं, उनकी साइकोलॉजी अलग है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है उनके होस्ट के नेचर के ऊपर। ये बहुत ही बड़ी चीज है इन सारे के सारे सिम्बियोट्स के बीच, कि अगर उनका होस्ट उनके बिल्कुल जैसा ही होगा, एक जैसा उनका दिमाग मिलता होगा, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और कार्नेज के सीन में ये चीज सबसे ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि कार्नेज एक बहुत ज्यादा वायलेंट किस्म का सिम्बियोट है, और उसका जो होस्ट क्लिटस कैसिडी है वो भी खतरनाक किस्म का क्रिमिनल है जो कि लोगों को लिटरली मर्डर करता है। तो इसीलिए जब कार्नेज कैसिडी से मिला तो वो खतरनाक किस्म का बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, जिसको हराने के लिए अक्सर वेनम और स्पाइडरमैन को भी आपस में साथ आना ही होता है, और यही वजह है कि कार्नेज जो है वेनम से इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने कुछ मेजर सिम्बियोट कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि ओवरऑल मार्वल की हिस्ट्री में हमें देखने को मिले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉमिक्स के अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास नाम आता है वेनम का। इसका सबसे पहला अपीयरेंस होता है द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 300 अप्रैल 1988 के अंदर, और इसका जो सबसे पहला होस्ट था वो एडी ब्रॉक था, और उसके बाद इसके काफी ज्यादा होस्ट चेंज होते ही रहे हैं, लेकिन हम इसके ऊपर अपनी किसी और वीडियो में अलग से बात करेंगे डिटेल में। और उसके बाद जो दूसरा मशहूर होस्ट है वो कार्नेज है, द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 361 में उसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था, और उसका जो होस्ट था वो क्लिटस कैसिडी था, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर पहले डिटेल में बात कर ही चुके हैं। इसके बाद जो अगला हमारे पास मशहूर सिम्बियोट आता है वो है टॉक्सिन, जो कि वेनम वर्सेस कार्नेज नंबर 2 के अंदर सितंबर 2004 में आया था, और उसका जो होस्ट था उसका नाम पैट्रिक मुलिगन था। और बताया जाता है कि टॉक्सिन दरअसल कार्नेज का बच्चा था, यानी कि जिस तरह कार्नेज वेनम से बना है इसी तरह टॉक्सिन जो है वो कार्नेज से बना था, और ये इनकी जनरेशन में 1000th नंबर पे आता है, जो कि पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन से जुड़ गया था। और ये कॉमिक्स में होने वाला सबसे पहला सिम्बियोट था जिसको स्पाइडरमैन अपना दोस्त मानता था, और उसने इसकी काफी बार मदद भी इस्तेमाल करी है। इसके बाद जो हमारे पास एक और मशहूर इंसान आता है इस सारे के सारे सिम्बियोट्स के बीच, वो एंटी वेनम है, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन नंबर 569 अक्टूबर 2008 के अंदर मिला था, और इसका भी होस्ट दरअसल एडी ब्रॉक ही था। तो दरअसल एंटी वेनम जो है वो दरअसल एक तरह का हाइब्रिड है, जो कि दरअसल एडी ब्रॉक्स की डीएनए और एक खतरनाक किस्म के विलन जिसका नाम मिस्टर नेगेटिव है, उन दोनों के डीएनए को मिला के बनाया गया था। क्योंकि एडी ब्रॉक पहले जो इसका बहुत ज्यादा टाइम तक वेनम का होस्ट रह चुका है, तो उसके ब्लड में अभी भी वेनम की कुछ चीजें मौजूद थी, और जब इन दोनों के डीएनए को मिलाया जाता है तो एक नया किस्म का सिम्बियोट बनता है जिसका नाम एंटी वेनम होता है। और एंटी वेनम की सबसे बड़ी बात यह कि इस सिम्बियोट के पास इसका अपना खुद का दिमाग नहीं था, बल्कि एडी ब्रॉक इसके पूरे के पूरे कंट्रोल के अंदर था। वो जो कोई भी एक्शन ले रहा था वो सिर्फ एडी ब्रॉक ही ले रहा था। इसके पास जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की हीलिंग पावर्स मौजूद थी, जो कि वेनम से भी बहुत ज्यादा सुपीरियर थी। ये जबरदस्त किस्म के एंटीडोट्स को प्रोड्यूस कर सकता था, जो कि खतरनाक किस्म की बीमारी को लोगों की बॉडी से रिमूव कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एंटी वेनम जो है इन सारे के सारे सिम्बियोट्स के लिए एक तरह से एंटी का काम भी करता था। मतलब इसका नाम एंटी वेनम इसी वजह से था क्योंकि ये सारे के सारे सिम्बियोट्स को जो है उनको आसानी से हरा सकता था, उनके ऊपर भारी पड़ सकता था। और आखिरी मेंबर जो कि इन सारे के सारे सिम्बियोट्स से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है वो है नल। इसका फर्स्ट अपीयरेंस वेनम नंबर 3 अगस्त 2018 के अंदर हुआ था। इसका कोई होस्ट नहीं है क्योंकि इसने ही लिटरली सारे के सारे सिम्बियोट्स को बनाया है, जो कि हम ऑलरेडी काफी सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
अब अगर हम अपने सिम्बियोट की पावर एंड एबिलिटीज की बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये सिम्बियोट जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। सबसे पहली बात, ये अपने पूरे के पूरे होस्ट के ऊपर जब हावी होती है तो उसका पूरा का पूरा शेप ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब ये बात ध्यान में रखने वाली है कि ये बिना अपने होस्ट के इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये एक गो से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि अपने आप पे मुश्किल से चल भी नहीं सकती हैं। लेकिन एक बार जब ये अपने मतलब के होस्ट के साथ जुड़ जाएं, तो इनकी स्पीड, इनकी एंड्योरेंस, इनकी एजिलिटी, इनके हीलिंग फैक्टर, इनकी इंटेलिजेंस सब कुछ बढ़ जाता है और ये सारी की सारी चीजें इनके होस्ट को भी प्रोवाइड की जाती हैं। कभी कभार ये सिम्बियोट इतने ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं कि ये अपने होस्ट के ऊपर हावी हो जाते हैं, और आइडियल केसेस के अंदर ये सिम्बियोट और होस्ट दोनों आपस में मिलकर इन सारी की सारी चीजों को चला रहे होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वेनम का है। तो इसके जरिए हमें पता है कि ये लोग ऊंची ऊंची छलांगें मार सकते हैं, बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं, जबरदस्त किस्म के वेपन्स को जनरेट कर सकते हैं, इनके पास सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ इनकी वीकनेसेस की बात करें, जिसमें तो सबसे बड़ी वीकनेस इनकी फायर और दूसरा साउंड है, मतलब जो तेज सोनिक साउंड होते हैं वो इनकी बहुत ही बड़ी वीकनेस है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनकी ये वीकनेस इसी वजह से है क्योंकि जब नल ने इनको बनाया था उस सेलेस्टियल फोर्ज के अंदर, तो वो मुस्तकिल उनको फोर्ज के अंदर जला रहा था और अपने हैमर से उनको हैमरिंग कर रहा था, तो उसकी आवाज़ और फायर की जो गर्मी है वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि सिम्बियोट के हवाले से हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सिम्बियोट जो है, इसको बहुत ज्यादा लोग सिम्बियोट, सिम्बायोट और सिम्बियोटे भी कहते हैं, लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो सिम्बियोट है। इस तरह नल के सिम्बियोट से इसी तरह मार्वल कॉमिक्स के अंदर और भी इसी तरह के कैरेक्टर है, जिस तरह के ड्रेड फेस, कोबरा और वॉइड, जो कि सेंट्री का ही एक ऑल्टर ईगो है। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये भी जो है बेसिक नल का ही हिस्सा है, क्योंकि हमने इस बात को देखा था किंग इन ब्लैक की स्टोरी के अंदर कि किस तरह से नल जो है वो सेंट्री को पकड़ता है और बीच में से चीर देता है और कहता है कि तुम जिस वॉइड से डरते हो वो दरअसल मेरा ही हिस्सा है। लेकिन इस बात को अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है कि वाकई में क्या वॉइड जो सेंट्री का इविल काउंटर पार्ट था वो नल का ही एक दूसरा रूप था, या फिर वो उसको सिर्फ एक हाइपोथेटिकली कहने की कोशिश कर रहा था। अगर हम सिम्बियोट की पूरी ओवरऑल हिस्ट्री की बात करें मार्वल कॉमिक्स की, तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि उनको काफी बार रेडकॉन किया गया है। अब रेडकॉन का कॉमिक्स में मतलब ये होता है कि उनकी हिस्ट्री को, उनकी कुछ डिटेल्स को बार बार चेंज किया गया है कॉमिक्स के अंदर। जिस तरह पहले ये बताया जाता था कि सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए उस केमिकल को लेना जरूरी है जिसको मैंने जिक्र करा था, जो कि इंसानी दिमाग के अंदर पाया जाता है, लेकिन इस बात को बेसिकली बाद में जो है रेडकॉन कर दिया गया था, वरना मुस्तकिल उनको वेनम को एक ऐसा इंसान बनाना पड़ता जो लोगों के दिमाग खा रहा होता। और आहिस्ता आहिस्ता इस बात को भी रेडकॉन कर दिया गया कि वेनम जो कि एक विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको एक एंटी हीरो के अंदर चेंज करा, और मजीद उसको रेडकॉन करने के बाद अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर एंटी हीरो से उसको एक हीरो ही बना दिया गया है। तो ये सारे के सारे रेडकॉन्स ओवर द ईयर किए गए हैं सिम्बियोट की हिस्ट्री के अंदर मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जहां पे उसकी शुरुआत एक विलन से हुई थी, फिर उसको एक एंटी हीरो के अंदर चेंज किया गया और अब लिटरली वो एक हीरो बन चुका है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो मेकर है उसने सिम्बियोट का एक फैक्ट बताया था कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि सिम्बियोट के मुंह से एक तरह की राल टपक रही होती, एक तरह का थूक टपक रहा होता है। तो मेकर के मुताबिक वो दरअसल उनके वेस्ट को अपनी बॉडी से निकालने का तरीका है। और मेकर ने इस बात को भी बताया था कि ये वेस्ट दरअसल वो वेस्ट होता है जो कि वो सिम्बियोट होस्ट के ऊपर चढ़ने के बाद उसकी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम कर रही होती है। तो जो होस्ट की बॉडी कंज्यूम हो रही है, उसका जो वेस्ट है वो अपने मुंह के जरिए उसको रिमूव कर रहा होता है। डेयर डेविल ने क्लिंटार के बारे में बताया है कि क्लिंटार के जो सारे के सारे सिम्बियोट्स हैं वो पेट्रोल और स्वैम्प वाटर की तरह जो स्मेल करते हैं। तो जिन लोगों को पेट्रोल अच्छा लगता है उनके लिए खुशखबरी है कि उनको सिम्बियोट की खुशबू मजेदार लगने वाली है, लेकिन मैं तो उससे पर्सनली दूर ही रहना ज्यादा पसंद करूंगा। तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के साथ साथ मार्वल मूवीज के अंदर भी वेनम और सिम्बियोट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और अब जैसा कि वेनम 2 आ रही है जिसके अंदर हमें और भी ज्यादा सिम्बियोट्स इंट्रोड्यूस करवाया जाने वाला है, और ऐसा भी मानने को आ रहा है कि बहुत जल्द स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर भी हो सकता है, तो मैंने सोचा कि यही हमारे पास बेस्ट टाइम है जिसके अंदर हम नो यूनिवर्स की वीडियो के ऊपर सिम्बियोट के ऊपर बात कर सकें। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी तो हो चुकी है, लेकिन इसके जरिए आपको ऐसी ऐसी डिटेल्स जानने को मिली होंगी जो कि इससे पहले आपको बिल्कुल भी नहीं पता होंगी। तो अगर आपने इस वीडियो के जरिए कुछ भी सीखा है या आपको नया जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी है। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे ये भी बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं अलग से इसी तरह नो योर यूनिवर्स के अंदर वेनम और कार्नेज के ऊपर भी डिटेल में बात करूं, जिसमें हम बात करेंगे कि वेनम की शुरुआत कहां से हुई थी, इसके कौन कौन से होस्ट थे और अब उसका प्रेजेंट के अंदर क्या सारा का सारा रोल चल रहा है। तो अगर आपके कमेंट्स के अंदर इनफ रिक्वेस्ट आएंगी वेनम और कार्नेज के ऊपर, तो मैं उनके वीडियोस के ऊपर भी फौरन से काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हैं और आपने इस चैनल पे एंजॉय करा इस वीडियो को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इस तरह की वीडियोस बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और रिसर्च करता हूं ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, तो आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की मजीद वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिएगा, जहां पर मैं मार्वल कॉमिक्स और न्यूज के हवाले से जबरदस्त किस्म के फैक्ट शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पीटर। मिलते हैं नो योर यूनिवर्स की एक और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।